हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एथिल ब्रोमाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। क्या देखने वाले हैं? एथिल ब्रोमाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में एथिल ब्रोमाइड कैसे बनाया जाता है फिगर के माध्यम से समझेंगे। देख सकते हैं आप फिगर, ठीक है, तो सब कुछ बताएंगे। अगर आपने वीडियो में पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल पाए। तो सबसे पहले बात कर लें कि एथिल ब्रोमाइड का साधारण नाम क्या होता है। तो जैसा कि बात करें कि एथिल ब्रोमाइड का जो साधारण नाम है एथिल ब्रोमाइड ही होता है, ठीक है। एथिल ब्रोमाइड का साधारण नाम एथिल ब्रोमाइड ही होता है। अगर हम इसके सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र होता है C2H5। एथिल क्या होता है? ग्रुप C2H5, और ब्रोमाइड है तो Br, C2H5Br। ये एथिल ब्रोमाइड का सूत्र होता है, ठीक है। अगर हम इससे IUPAC नाम निकालें तो कैसे निकालेंगे? दो कार्बन है, एक कार्बन के लिए मेथ लगता है, दो कार्बन के लिए एथ लगता है। तो यहां से हम नाम कैसे बनाएंगे? दो कार्बन है तो क्या करेंगे हम? एथ लगाएंगे। तो चलिए नाम बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा? एथेन प्लस क्या लगा है? ब्रोमीन लगा है, ब्रोमीन लगा ना, तो हम क्या लिखेंगे? ब्रोमो। एथेन प्लस ब्रोमो। तो अगर हम इसका पूरा नाम जोड़ के बनाएं तो क्या लिख सकते हैं? ब्रोमो को आगे कर लेते हैं, ब्रोमो एथेन। एथिल ब्रोमाइड का जो IUPAC नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ब्रोमो एथेन, ठीक है। साधारण नाम एथिल ब्रोमाइड था, सूत्र इसका C2H5Br था, और IUPAC नाम ब्रोमो एथेन है। तो चलिए बात करें प्रयोगशाला में हम एथिल ब्रोमाइड कैसे बना पाएंगे, तो उसके बारे में जान लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं साधारण नाम एथिल ब्रोमाइड, सूत्र C2H5Br, और IUPAC नाम ब्रोमो एथेन। अब बात करें प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं, तो चलिए देखते हैं। प्रयोगशाला में हम क्या करते हैं? एथिल एल्कोहल लेते हैं, C2H5OH एथिल एल्कोहल लेते हैं, और उस पर क्या मिलाते हैं? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। अब सांद्र और तनु में क्या डिफरेंस होता है? जिसमें पानी की मात्रा कम होती है किसी चीज में, जैसे दूध में हमने आधा ग्लास पानी डाला तो वो होगा सांद्र, और अगर एक ग्लास पानी डाल दें तो क्या हो जाएगा? बहुत पतला हो जाएगा ना दूध, तो वो तनु हो जाएगा। तो हम एथिल एल्कोहल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और पोटेशियम ब्रोमाइड तीनों को जब मिलाकर गर्म किया जाता है तो एथिल ब्रोमाइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एथिल ब्रोमाइड का। समीकरण देख सकते हैं आप, C2H5OH एथिल एल्कोहल लिया, पोटेशियम ब्रोमाइड KBr लिया, H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल लिया, तो क्या बना? एथिल ब्रोमाइड बना और पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट बना। रिएक्शन कैसे हुई है चलिए उसको जान लेते हैं। तो हमने लिया है एथिल एल्कोहल, पोटेशियम ब्रोमाइड और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। बनाना क्या है? एथिल ब्रोमाइड हमें बनाना है। तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले एथिल ग्रुप लेंगे। एथिल ग्रुप क्या है? C2H5। C2H5 को क्या बोला जाता है? एथिल। बनाना क्या है? ब्रोमाइड। अब ब्रोमीन कहां से मिलेगी? KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड से। अब यहां पे हम क्या करेंगे? Br इसका जोड़ देंगे, तो ये जो बना है एथिल और ब्रोमाइड मिलके एथिल ब्रोमाइड। अब बचा क्या क्या है? H2SO4 बचा है, OH बचा है, K बचा है। तो हम क्या करेंगे? यहां से एक H हटा देंगे, केवल लेंगे क्या? हाइड्रोजन सल्फेट लेंगे। तो क्या लेंगे हम? पोटेशियम K ले लेंगे, KHSO4, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। और क्या बचा है? एक एच H2SO4 से बचा है और एक OH, मिलके क्या बना लेगा? जल के अणु H2O। तो बन क्या गया है? पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, एथिल ब्रोमाइड और जल के अणु निकल गए हैं बाहर। तो इस प्रकार एथिल एल्कोहल, पोटेशियम ब्रोमाइड और सल्फ्यूरिक अम्ल के माध्यम से हम एथिल ब्रोमाइड का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन थी एथिल ब्रोमाइड बनाने की। अब चित्र से समझते हैं। तो चित्र में हमने क्या किया है? एक स्टैंड लगाया है, ठीक है, जिसमें क्या कशी हुई है? जाली कशी हुई। जाली इसलिए कशी हुई है ताकि सुविधा पूर्वक हम बर्तन रख सकें। नीचे लगा है बर्नर। जैसे आपने नॉर्मली गैस पे देखा होगा नीचे बर्नर लगा होता है जिसपे हम माचिस से या लाइटर से जलाते हैं, वो चीज होती है बर्नर। उसके ऊपर जाली स्टैंड रखा होता है जो कि बर्तन आसानी से सुविधापूर्वक बिना ढंगे रख पाए, इसलिए जाली लगी होती है। अब यहाँ पे जो जाली लगी है इसके ऊपर हम क्या रखेंगे? बालू ऊष्मक। मान लीजिए कोई तसला लिया है उसमें हमने क्या भर दी है? बालू, ठीक है, बालू भर दी है। नीचे बर्नर लगा है, ठीक। अब ऊपर क्या है? बालू ऊष्मक के ऊपर हमने रख दिया है एक आसवन फ्लास्क, जो कि एक जैसा लोटा होता है ना, लोटा, ठीक है, उसके आकार का है। इस आसवन फ्लास्क में क्या भरा हुआ है? एथिल एल्कोहल भरा हुआ है।
सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल भरा हुआ है और पोटेशियम ब्रोमाइड भरा हुआ है। एथिल अल्कोहल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और पोटेशियम ब्रोमाइड, इन तीनों को मिलाकर जब हम बर्नर से क्या करेंगे, बर्नर को चालू करेंगे, जैसे गैस चालू करते हैं और खाना बनता है सेम वही, तो जैसे ही बर्नर को हम चालू करेंगे बालू ऊष्मक गर्म होगा, उसके बाद आश्वन फ्लास्क भी हमारा गर्म हो जाएगा। और एथिल अल्कोहल, सल्फ्यूरिक अम्ल और पोटेशियम ब्रोमाइड क्या करेगा, एथिल ब्रोमाइड की भाप बनाएगा, एथिल ब्रोमाइड की भाप बनाएगा, जिसमें क्या होंगी, अशुद्धियां होंगी। अब अशुद्धियां होंगी तो अशुद्धियों को हमें दूर करना पड़ेगा, तब तो हमें शुद्ध प्राप्त होगा। तो हम क्या करेंगे, अशुद्धियों के लिए जो एथिल ब्रोमाइड बना है अशुद्धि पूर्वक, इसको हम ले जाएंगे जल संघनित्र में। इसको कहाँ ले जाएंगे, जल संघनित्र में ले जाएंगे, पृथककारी कीप द्वारा जल संघनित्र में ले जाएंगे और ठंडे जल से इसको धुलेंगे। ऊपर से ठंडा जल गिराएंगे जिससे एथिल ब्रोमाइड धुल जाएगा और नीचे से जो निकास मार्ग है वहां से ठंडा जल निकल जाएगा। जिस प्रकार हम कपड़े धुलते हैं, गंदे होते हैं तो उनको धुलते हैं तो उसमें नमी रह जाती है, सुखाना पड़ता है धूप में, सेम वही काम यहाँ पे भी होगा। यहाँ पे भी हमने जो एथिल ब्रोमाइड बनाया है उसको धुला है लेकिन उसमें नमी है, तो क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल डाल के, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाल के हम क्या करेंगे, शुद्ध एथिल ब्रोमाइड ग्राही फ्लास्क में एकत्र कर लेंगे। इस प्रकार से बनाया जाता है एथिल ब्रोमाइड। एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है। तो हमने लिया है एक स्टैंड जिसपे जाली कसी हुई है, नीचे लगा है बर्नर, ये बर्नर है, स्टैंड नहीं है, बर्नर है, ठीक है। स्टैंड जिसमें सब चीज लगी हुई है, कसा हुआ है, वो स्टैंड है, ठीक। और इसके ऊपर लगी है जाली, नीचे लगा है बर्नर, ऊपर रखा है बालू ऊष्मक जिसमें बालू भरी हुई है। इसके ऊपर हम एक आसवन फ्लास्क रख देते हैं जिसमें एथिल अल्कोहल, सल्फ्यूरिक अम्ल और पोटेशियम ब्रोमाइड भर देते हैं। और जब इसको हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, एथिल ब्रोमाइड की भाप बनती है। अब जो ये एथिल ब्रोमाइड की भाप बन रही है इसमें है अशुद्धियां, तो अशुद्धियों को हम क्या करेंगे, संघनित्र में ठंडे जल से धुलेंगे। अशुद्धियां तो दूर हो गई परंतु नमी रह गई है। अब इस नमी को कैसे दूर करेंगे, हम क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल डाल के इसको ग्राही फ्लास्क में जब ले जाएंगे तो सल्फ्यूरिक अम्ल डाल के इसकी नमी दूर कर लेंगे, जिससे हमें शुद्ध व शुष्क एथिल ब्रोमाइड प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार प्रयोगशाला में एथिल ब्रोमाइड बनाया जाता है। विधि से समझेंगे, जिनको नोट्स बनाना है उनके लिए यह विधि है। इस विधि में हम क्या करते हैं, एक गोल फेंदी का आसवन फ्लास्क लेते हैं। इस विधि में हमने एक गोल पेंदी का आसवन फ्लास्क लिया है जिसमें एथिल अल्कोहल डाला है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डाला है और पोटेशियम ब्रोमाइड डाला है, KBr। इसमें हम एक गोल पेंदी का आसवन फ्लास्क लेते हैं। जैसे मान लीजिए भगोना, भगोने में मान लीजिए हम कोई चीज बना रहे हैं, उसमें हमने क्या डाला, एथिल अल्कोहल डाल दिया, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 डाल दिया और पोटेशियम ब्रोमाइड डाल दिया। अब इसको जब हम भगोने को धीरे धीरे से गर्म करते हैं तो क्या होता है, एथिल ब्रोमाइड का निर्माण होता है। क्या होता है, एथिल ब्रोमाइड का, C2H5Br का निर्माण होता है जब तीनों चीजें हम मिला देते हैं, ठीक है। परंतु ये जो एथिल ब्रोमाइड बना है उसमें है अशुद्धियां। अब अशुद्धियों को दूर करना पड़ेगा, जैसे कपड़ों में मैल होता है ना, उसको धुलना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, धुल डालेंगे। एथिल ब्रोमाइड है, इसको हम ठंडे जल से धुल डालेंगे। कहाँ पे, संघनित्र में ले जाकर ठंडे जल से धुल डालेंगे। अब जब हम कपड़े धुलते हैं तो उसमें क्या होते हैं, कपड़े गीले होते हैं, नमी होती है, उसको सुखाना पड़ता है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, सुखाएंगे। लेकिन ये कैसे सूखेगा, इसकी नमी दूर करने के लिए, एथिल ब्रोमाइड की नमी दूर करने के लिए हम H2SO4 डालेंगे, जिससे नमी भी दूर हो जाएगी और शुद्ध व शुष्क एथिल ब्रोमाइड हम ग्राही फ्लास्क में एकत्र कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम एथिल ब्रोमाइड प्रयोगशाला में बना सकते हैं आसानी से। अब चलिए भौतिक गुण देख लेते हैं कि उसका, जो हमने एथिल ब्रोमाइड बनाया उसका रूप रंग कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है। तो देख सकते हैं आप, यह रंगहीन है, बिना किसी रंग का है और मीठी गंध वाला द्रव है। यह रंगहीन मीठी गंध वाला द्रव है, कौन, एथिल ब्रोमाइड। यह जल में अविलेय, यह जल में नहीं घुलता। जैसे तेल होता है ना, तेल पानी में डालेंगे तो तैरेगा लेकिन घुलेगा नहीं, वैसे ही इसका काम है। यह जल में अविलेय तथा कार्बनिक यौगिकों में विलेय है। कार्बनिक यौगिक कैसे, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ठीक है। इसका क्वथनांक 38 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसका जो क्वथनांक है 38 डिग्री सेंटीग्रेड। यह रंगहीन मीठी गंध वाला द्रव है, जल में अविलेय तथा कार्बनिक यौगिकों में विलेय है और इसका जो क्वथनांक होता है 38 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये बात हुई एथिल ब्रोमाइड के भौतिक गुण के बारे में। अब देखते हैं रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण देख सकते हैं हम, एथिल ब्रोमाइड की क्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराएं, कास्टिक पोटास से कराएं, तब क्या बनेगा। तो देख सकते हैं आप, हमने लिया है एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड C2H5Br। अब इसकी क्रिया हमें किससे करानी है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करानी है। तो रिएक्शन कराते तो यहां से क्या होगा, हम लेंगे पहले एथिल समूह, भाई
क्यों इससे क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, एथिल एल्कोहल बनाता है। अगर हम एथिल ब्रोमाइड की क्रिया कास्टिक पोटास से कराते हैं तो एथिल एल्कोहल का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या करना है, एथिल एल्कोहल के लिए C2H5 ले लिया हमने, और ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है इससे OH ले लिया, क्या बन गया एथिल एल्कोहल, C2H5OH एथिल एल्कोहल बन गया। अब बचा क्या क्या है, KBr पोटेशियम ब्रोमाइड बच गया है, तो उसको हम आगे लिख लेते हैं, पोटेशियम ब्रोमाइड बना क्या क्या। अगर हम पोटेशियम एथिल ब्रोमाइड की क्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो एथिल एल्कोहल और पोटेशियम ब्रोमाइड का निर्माण होता है। ये क्या चीज है, KBr पोटेशियम ब्रोमाइड। ठीक है, तो हम जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया एल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक पोटास से कराते हैं, एथिल एल्कोहल का निर्माण होता है। अब हम क्या करेंगे, सिल्वर साइनाइड से क्रिया कराएंगे। अगर हम एथिल ब्रोमाइड की क्रिया सिल्वर साइनाइड से कराते हैं तब क्या होता है, तो चलिए रिएक्शन करा लेते हैं, सिल्वर साइनाइड से क्रिया कराते हैं तो हम क्या करेंगे, एथिल ब्रोमाइड लेंगे सबसे पहले और उसमें क्या मिलाएंगे, सिल्वर साइनाइड मिलाएंगे। तो हमने लिया एथिल ब्रोमाइड C2H5Br, एथिल ब्रोमाइड लिया है और सिल्वर साइनाइड AgCN, सिल्वर साइनाइड का फॉर्मूला AgCN होता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, बनेगा क्या C2H5CN, एथिल साइनाइड बन जाएगा, क्या बन जाएगा एथिल साइनाइड C2H5CN, C2H5CN ये एथिल ग्रुप है और साइनाइड जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा एथिल साइनाइड। अगर हम सिल्वर साइनाइड से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है एथिल साइनाइड। अब बच क्या गया है AgBr, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। अगर हम एथिल ब्रोमाइड की क्रिया सिल्वर साइनाइड से कराते हैं तो एथिल साइनाइड बनता है और क्या बनता है सिल्वर ब्रोमाइड बनता है, क्या बनता है सिल्वर ब्रोमाइड बन जाता है। जब हम एथिल एल्कोहल की क्रिया सिल्वर साइनाइड से कराते हैं तो एथिल साइनाइड और सिल्वर ब्रोमाइड हमें प्राप्त होता है। तो चलिए आगे जान लेते हैं, ये बात हुई रासायनिक गुण की, अब हम क्या करेंगे इसके उपयोग जान लेते हैं। तो उपयोग देख सकते हैं आप, एथिल ब्रोमाइड का जो उपयोग है एथिल एल्कोहल बनाने में, ये ब्रोमाइड नहीं एल्कोहल है, ठीक है, एथिल एल्कोहल बनाने में इसका यूज होता है एथिल ब्रोमाइड का, सिल्वर ब्रोमाइड बनाने में इसका उपयोग होता है, एथिल एल्कोहल बनाने में सिल्वर ब्रोमाइड बनाने में इसका उपयोग होता है, एन ब्यूटेन बनाने में इसका उपयोग होता है, एथिल बेंजीन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, एथिल एल्कोहल बनाने में, सिल्वर ब्रोमाइड बनाने में, एन ब्यूटेन बनाने में और एथिल बेंजीन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो आई होप आपको एथिल ब्रोमाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि समझ में आई, चित्र समझ में आए, भौतिक गुण रासायनिक गुण उपयोग समझ में आए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।